कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव और शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार विहार प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज धर्म संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 5020007335817, IFSC कोड HDFC000127, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV8567E, मेल ID VVSP साधु सेवा ट्रस्ट@gmail.com। जीवम दव्यम जिन्वर वसिन जिननी दिठम देविंद वंद वंदम वंदेतम सर्वदा शिरसा नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। जय बोलो परम पूज्य 108 मुनि श्री सद्धानंद पवित्र नंदन जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय, 3,09,00,00,000 मुनि राजो की जय। इस संसार में जिस व्यक्ति ने जिस जीव ने जन्म लिया है उसे अपने जीवन में मरना भी होगा, और ये बात सत्य है, सभी जानते हैं कि सबको जन्म लेने के बाद मरण भी करना है। मरण की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि जब मरण होना होगा तभी हो जाएगा। आयु जैसे ही समाप्त होगी उसी समय व्यक्ति का मरण हो जाएगा। मरण की कोई व्यवस्था नहीं करनी है, ना आपको कोई अटैची लगानी है, ना आपको किसी ट्रेन में बैठना है, ना ही आपको कोई मुहूर्त देखना है, कोई तैयारी नहीं करनी है। लेकिन मरण के बाद एक चीज़ और है, जन्म। हमने जो जन्म ले लिया है उस जन्म को लेने के बाद जो हमारा जीवन है उसको हम कैसे जी रहे हैं। हम अपने जीवन को जी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन सही मायने में हम अपने जीवन को जी भी रहे हैं। जीवन तो जी रहे हैं लेकिन जी भी रहे हैं या नहीं जी रहे, विचार करें। और उस समय जब हम सारी क्रियाएं जो संसार की कर रहे हैं, कमाना खाना घूमना फिरना ओढ़ना पहनना धर्म कर्म दुनिया भर की जो हम क्रिया कर रहे हैं, उन क्रियाओं को करने के बाद भी हम खुश क्यों नहीं हैं? बहुत सारे सवाल मन में खड़े होते हैं, और एक सवाल ये आता है कि हम अपने जीवन को कैसे जिए। जब गुरु निर्गंत सच्चे साधु नगरी में प्रवेश करते हैं उस समय ये सवाल उनके पास लेके जाते हैं और पूछते हैं कि हम जीवन को जिए कैसे। कई लोग ऐसे सोच के जाते हैं कि ये आ गए हैं, ये सच्चे गुरु हैं, इनके माध्यम से हमारा जीवन अब अच्छा हो जाएगा। कुछ लोगों की धारणा ये रहती है कि मैंने पढ़ तो लिया है,
लेकिन पढ़ने के बाद जैसे माँ को बच्चा भाई बहन को सुना देता है कि पक्का हो जाएगा, ऐसी जो हम क्रिया कर रहे हैं सुबह से लेकर रात तक, उस क्रिया को कोई देख ले और उसमें जो गलतियां हैं उसको कोई सुधार दे। महानुभाव, जीवन कैसे जिए एक बहुत बड़ा सवाल है। सभी आचार्यों ने अलग अलग क्रियाएं बताई हैं। किसी ने, आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने रहन सहन में दिया है दानम पूजा मुखम, कि दान देना पूजा करना मुख्य कर्तव्य है। नहीं तो सावाय धम्मोणा सावयां तेण विन्ना, दान देना धर्म पूजा नहीं कर रहा है, दोनों काम छोड़ दिए हैं। तो उन्होंने कहा वो श्रावक नहीं है। कौन है? जैसे एक जानवर, जैसे एक श्वान जिसे कुत्ता भी कहते हैं, नाली में मुँह मार करके अपना पेट भर लेता है इधर उधर भटक करके, ऐसे वो इंसान नहीं, वो जानवर है कि अपना जीवन जी रहा है, बस जी रहा है। लेकिन जिसको हम जीवन कह रहे हैं, क्या हम ऐसा तो नहीं है जी रहे हों? हम ये समझ रहे हैं लेकिन हम मर रहे हों। तो जीवन को कैसे जिए? किसी ने कहा है पूजा पाठ करो, किसी ने कहा धर्म ध्यान करो, किसी ने कहा है कि अपने माता पिता की सेवा करो। जो जैसा कहता है हम वैसा कर लेते हैं। माता पिता ने कहा पढ़ लिख करके बड़े बनना है, पढ़ो, अच्छे से अच्छी किताबें पढ़ ली हैं, और उसमें भी जो पढ़ाई हमें नहीं पढ़नी थी हमने वो भी पढ़ ली है, जो हमारी सामर्थ्य नहीं थी हमने पूरी शक्ति उसमें झोंक दी है और हमने वो स्टडी भी कंप्लीट कर ली है। ट्वेल्थ हो गया है, कॉलेज हो गया है, एमटेक, बीटेक, आईएएस, आईपीएस, आरजेएस, एमबीबीएस, आईआईटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हमने जो नहीं पढ़ सकते थे वहाँ तक भी हमने स्टडी कर ली है, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे कि हम अपने जीवन को कैसे जिए। हर किताब हम पढ़ना चाहते हैं, शादी कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग की किताब पढ़ ली है, लाइफ प्लानिंग की किताब हमने पढ़ी है, हमने साइंस को पढ़ा है, हमने इतिहास पढ़ा है, हमने न्यूज़पेपर आर्टिकल मैगजीन दुनिया भर की सब चीज़ें पढ़ डाली, लेकिन किसी भी चीज़ में ये नहीं आया कि जीवन को कैसे जिए। जीवन को जीने के लिए सबने कुछ ना कुछ अपने अपने अथॉर्ट्स दिए हैं, लेकिन उनसे हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे। किसी ने कहा आटे की गोलियाँ, चींटियों को आटा, जानवरों को दाना, घास डालना, गरीबों के लिए सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, अनाथ बच्चों की सेवा करो, वृद्धों की सेवा करो, इन चीज़ों को करने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जीवन की सही क्रिया नहीं है। हमें अपने जीवन को जीना तो है, पूजा पाठ धर्म सब कर रहे हैं, लेकिन उसका एक अनुशासन भी तो होना चाहिए। इसलिए आचार्य शिवकोटी स्वामी जी ने भगवती आराधना में दिया है कि कर्तव्यों का पालन करना, अनुशासित जीवन जीना ही हमारा जीवन है। फिर वो अनुशासन कैसा है, ये सवाल खड़ा होता है। अनुशासन कैसा रखें? अनुशासन के लिए उन्होंने दिया है, अनुशासन भी दो प्रकार का होता है और दोनों अनुशासन हमें पालन करने होंगे, एक धर्म अनुशासन, एक कर्म अनुशासन। धर्म कैसे करना है उसका भी हमें पालन करना होगा और कर्म कैसे करने हैं उसको भी हमें अपने जीवन में अनुशासित तरीके से करना होगा। जब मन में आया तब खा लिया, जब मन में आया सो गए, जब मन में आया जाग गए, नहीं, उसका एक अनुशासन है। रिजल्ट हमारे सामने है, जो अनुशासन से नहीं जिए उनका जीवन हम देख रहे हैं और जिनका अनुशासन है उनका भी जीवन हम देख रहे हैं। उन पर चर्चा हम बाद में करेंगे कि अनुशासित जीवन का रिजल्ट क्या है, लेकिन उससे पहले हम ये देखें कि हमारे जीवन में अनुशासन क्या है। धर्म अनुशासन और कर्म अनुशासन, पहले धर्म अनुशासन दिया है, उसके बाद कर्म अनुशासन। वो धर्म अनुशासन में आचार्यों ने छह चीज़ें बताई हैं। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण के भाग दो में 38वें अध्याय में ये हमारी क्रियाएँ बताई हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे करना है, कैसे जीना है, क्या करना है। 53 गर्भान्वय क्रिया, 48 दीक्षान्वय क्रियान्वय क्रिया और 7 दीक्षान्वय क्रिया जो दी हैं, ऐसे उन्होंने 108 क्रियाएं गृहस्थों की बताई हैं। इज्जा, दत्ति, वार्ता, संयम, तप, त्याग इत्यादि, अनुमोद की क्रिया, प्रीति क्रिया, सुप्रीति क्रिया, ये जो 53 क्रियाएं दी हैं। गर्भान्वय, गर्भ हो गया है तो किस समय में क्या करना है। आज लोग कह रहे हैं बेटियाँ नॉन जैनों में जा रही हैं, बेटियां जैन समाज में नहीं शादी कर रही हैं, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। कारण
कहीं ना कहीं हमारा अनुशासन टूट चुका है। वो अनुशासन क्या है? तो आचार्य भगवान ने 6 अनुशासन में प्रथम नंबर पे दिया है देव दर्शन, जिनेंद्र भगवान की पूजा, माने जिन पूजा, वो क्या है? जिनेंद्र भगवान की पूजा करना दिन प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर के, हमें जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सुबह उठकर के नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके आपको ये कहाँ जाना है? मंदिर, जिनेंद्र भगवान की पूजन करने। क्यों? क्योंकि ये हमारी कुल परंपरा है, कुलाचार से चलती आ रही है, आगम से चलती आ रही है, आदिनाथ भगवान से लेकर के महावीर स्वामी के समय तक ये हमें करनी ही है। और उसमें जो आप लोग कर रहे हो, वो सुबह उठ करके, सुबह कितने बजे उठना है, उठने का समय भी निर्धारित है। सूरज की जैसे ही पो फटती है उस समय तक हमारी आँखों की आँखें खुल जानी चाहिए। जी, जैसे चिड़िया आप लोग देखते होंगे, जैसे ही सूरज की पो फटती है चिड़ियाएँ चहकना महकना शुरू कर देती है, सभी पक्षी अपने घोंसलों से निकलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मनुष्य के लिए दिया है, अब दिन निकल गया है, दिन निकलते के साथ ही आपको सुबह उठते के साथ ही बाहर निकलना है। और निकलना है क्या? नहा धोकर के, नहाना और धोना माने स्नान करना, धोना माने अपने वस्त्रों को अपने आप धोना, ऐसा नहीं है। और हम गलत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारे सामने है, ऐसा नहीं है कि आपके कपड़े कोई और धोएगा, आपके अपने वस्त्र हैं, आपको स्वयं ही धोना होगा। पहले एक कहावत थी, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, सुबह उठ करके पहले खटिया खड़ी करते थे अपने हाथ से, जो बिस्तर होते थे, चद्दर रजाई जो भी है, अपना कंबल सब अपने आप झाड़ करके, कि रात भर में जो मच्छर कीड़े या कोई अपने माध्यम से उनमें गंदगी हुई है उसको झाड़ करके, फिर कमरे की सफाई करके नहाते थे, और उसी समय जो कपड़े हैं उसी समय धोकर के सुखाते थे, ये क्रिया थी। आज हम उसमें भटक गए हैं, हमने नौकर रख लिया है तो उसका भुगतान हमको करना पड़ रहा है। पहले कुछ नहीं था तो हमारा खर्चा भी कुछ नहीं था, शरीर हमारा हसपुस था, आज शरीर में बीमारियाँ हैं, जितना हमने काम करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं है, सहनन आपका भी है, सहनन उस रिक्शा चलाने वाले का भी है, गाड़ी धोने वाले का भी है, गाड़ी से माल उतारने वाले का भी सहनन है। आपसे 5 किलो का सामान नहीं उठता है, वो 45 किलो की बोरी भी उठाता है। ये कहाँ से आया? हमने अपने शरीर को जैसे तैसे करके उसको परमादि बना दिया है। इसलिए जीवन के सब नियम कायदे कानून, जिसको हम कहते हैं टाइम टेबल एंड रूल्स, ये हमारे जीवन के सब निर्धारित किए हैं। सुबह उठना है, नहा धोकर के शुद्ध वस्त्र पहनना, माने साफ सुथरे वस्त्र, गंदे नहीं। साइंस कहता है गंदे कपड़े पहनने वाले की मेंटलिटी भी गंदी मिलेगी। जैसे आपके तन पे कपड़े होंगे वैसे आपके विचार भी गंदे होंगे, देख लेना। और जितनी जितनी आपकी विचारधाराएं अच्छी होंगी उतनी उतनी आपके इर्द गिर्द की सामग्री भी उतनी उतनी अच्छी होगी। इसीलिए कहा है शुद्ध वस्त्र पहन करके मंदिर जा रहे हो, अब भगवान के दर्शन करने के लिए आप मंदिर में पहुंच गए हो, पहली क्रिया भगवान के दर्शन करके अब आपका दिन शुरू होगा, क्योंकि आपने धर्म कर लिया है। ये पहला दिया है देव पूजा। उसके बाद इन एक क्रिया से आपके दो काम हो गए हैं। सुबह जल्दी उठना, बहुत सारे लोग कहते हैं मुनि महाराज आ गए हैं तो उनको जंगल तक जाते हैं, वापस लेके आते हैं, सुबह उनके आने से सारी क्रियाएं क्रम से लग गई हैं। सुबह उठना, नहाना धोना, मंदिर जाना, पूजा पाठ, अभिषेक, शांति आराप, ये सब करने के बाद प्रवचन की क्रिया, आहार की क्रिया सब। और जब साधु जाते हैं तो मन विचलित हो जाता है, कारण क्योंकि अब हमारी क्रियाओं को कौन क्रम से लगाएगा, क्योंकि उनका तो जीवन अनुशासित है, कितने कदम चलने हैं, कितनी देर उनको बैठना है, कितना बोलना है, कितना सुनना है, कितना खाना है, सब अनुशासित है। लेकिन हमारा जीवन अनुशासित है, अगर आप जी रहे हो और सिर्फ जी रहे हो तो वो जीवन नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है आप तिल तिल करके मर रहे हो, सुबह उठ गए, कई लोग तो ऐसे हैं आँख खुली और सीधा दुकान के अंदर, दुकान लगा ली है और दुकान रात भर बैठे हैं और 12 बजे दुकान समेट करके आ रहे हैं, पूरी ज़िंदगी बाल सफ़ेद हो गए हैं, शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, सांस अटकी रह गई है, मरने वाला है, लेकिन दुकान नहीं छूट रही है। पूरी ज़िंदगी उसने अपनी पूरी ज़िंदगी दुकान में खर्च कर दी है। लेकिन याद रखना, कितनी देर भी बैठ लो, जब तक तुम्हारा पुण्य नहीं होगा कुछ फ़ायदा नहीं होगा।
लाभ, नफा, फायदा, प्रॉफिट ये कब होते हैं? जब तुम्हारा पुण्य का उदय हो। और पुण्य कैसे बढ़ेगा? पहला दिया है भगवान की पूजा, ये करी या नहीं करी? हम तो मानते ही नहीं भगवान को। कोई बात नहीं, ठहरो, रुको। जिस दिन पेट में दर्द होगा, जिन लड़कियों की शादी नहीं होती है व्रत कर रही हैं, क्यों कर रहे हो भगवान के व्रत? जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है क्यों कर रहे हो अभिषेक? जिन माँ का बच्चा मर गया है, जिन महिलाओं के बच्चे मर रहे हैं, क्यों कर रहे हो व्रत उपवास और दान तप त्याग? हम तो भगवान को मानते ही नहीं, क्यों मान रहे हो? जो बच्चे बार बार फेल हो रहे हैं क्यों चढ़ा रहे हो नारियल? भगवान ये तो मानना पड़ेगा है। और उस भगवान की भक्ति, भगवान कुछ नहीं देता है, ये बात याद रखना। वीतरागी भगवान किसी को मकान दुकान कुछ नहीं देता है। कोई सोचे कि मेरे को फेल कर दिया, भगवान ने कुछ नहीं करा। अगर भगवान फेल करने लगेगा और पास करने लगेगा तो भगवान का भई खाता तो बहुत बड़ा होगा। कितना बड़ा भई खाता रखेगा? इतना बड़ा भई खाता, क्योंकि ढाई द्वीप है और ढाई द्वीप में आपके भारत के अंदर ही सवा 140 करोड़ की आबादी है। लगभग 7-8 अरब की तो इस विश्व की आबादी है। उसके बाद ढाई द्वीप दिए, जम्बू द्वीप दिया है, अलग अलग द्वीपों में अलग अलग आबादी है और तिरंच है। अब किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, किसी को सुखी करना, किसी को दुखी करना, तो भगवान तो इसी में लगा रहेगा बेचारे। उसके पास तो खाने का भी टाइम नहीं मिलेगा और उसके तो खाना बनाने वाला भी बेचारा परेशान रहेगा, कब खाएगा वो? क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतने सारे लोगों को संभाल रहा है, तो भगवान है नौकर है। तो ये बात याद रखना, कोई भगवान लेखा जोखा कोई भी हिसाब किताब नहीं रखता है। ये भगवान वीतरागी हैं, ये तो मोक्ष जा चुके, उनका एक बिंब आपको दे दिया है, प्रतिबिंब इसमें स्थापना कर दी गई है। मात्र हमें इन जैसा बनना है, इसलिए मंदिर आते हैं, इनकी पूजा इनकी भक्ति करके, वो भक्ति जो हमने अपना पुरुषार्थ किया है, सच्चा पुरुषार्थ किया है, उससे हमारे अच्छे कर्म बन जाते हैं। और हमने बुरा पुरुषार्थ किया है, इनका अपमान कर दो तो बुरा पुरुषार्थ बुरे फल, इनका सम्मान कर दो, इनकी पूजा भक्ति, तो उनका अच्छा रिजल्ट आएगा, माने पुण्य का कर्म आपका बन गया। इसलिए हम मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर जा रहे हैं तो हमने अच्छे अच्छे काम शुरू कर दिए। जो आपने नहाने धोने की, झाड़ू पोछे की, बर्तन, ये सारी क्रिया जो की है, ये सारी क्रियाएं उस मंदिर की क्रिया में अटैच हो गई हैं। अपना नहाना धोना भी हो गया है, अपना मंदिर जाना भी हो गया है। एक व्यक्ति मॉर्निंग वॉक करने जा रहा है और एक व्यक्ति मंदिर जा रहा है, दोनों की क्रियाओं में अंतर है। एक में यह अंतर है कि एक में भोग विलासता छुपी है, वो अपने शरीर के लिए जी रहा है या फिर अपने मतलब के लिए। एक व्यक्ति भगवान की भक्ति के लिए जा रहा है, दोनों की विचारधारा में अंतर है। ये भी याद रखना, जितने मॉर्निंग वॉक करने वाले हैं, अगर आप कहो कि मंदिर चले जाओ, नहीं जाएंगे। कारण, उनका पुण्य का उदय होगा तो ही जाएंगे। पश्चन्ति पुण्य रहिता नहीं वीतरागम, बिना पुण्य के भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकता कोई। इसलिए अगर अपने जीवन की शुरुआत करनी है, अपने जीवन को जीना है, तो पहला कर्म दिया है सुबह उठ करके, नहा धो करके, शुद्ध वस्त्र पहन करके, सामग्री भी अपने साथ लेकर के जानी है। ऐसा नहीं है मंदिर में जाए वहीं नहा लें, वहीं धोती दुपट्टा, वहीं पंखा, वहीं कूलर, वहीं एसी, वहीं चावल, वहीं बैठने की सामग्री, सब कुछ वहीं से ले लो और 10 रुपये डाल दो, खा के आ गए 100 रुपये। ये तो 90 रुपये का निर्माल्य खाने का दोष लगा है। मंदिर जा रहे हो, पूजा पाठ करके आ गए हो, उसके बाद 9-9:30 बजे तक किसी के घर में भी भोजन नहीं होता है। परंपरा तो यही है कि क्यों? क्योंकि अभी हमारे ठाकुर जी, माने ठाकुर कौन? ठाकुर हमारे गुरु, वो गुरु अभी भूखे हैं, उन्होंने अभी अन्न का निवाला नहीं खाया है। इसलिए जब तक उनके मुंह में अन्न का दाना ना चला जाए, तब तक के लिए मेरा चारों प्रकार का त्याग है। हाँ, कुछ लोग होते हैं बिस्तर पे बैठे ही चाय चाहिए, एक नंबर के कर्मात्मा लोग हैं, वो धर्मात्मा नहीं है, वो मात्र कर्म के बारे में ही जानते हैं, अपना अपना और सिर्फ अपना। एक उसको कहते हैं मतलबी, सेल्फिश व्यक्ति, जिसने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया है, वो किसी का सम्मान नहीं करता, ना अपने माँ बाप का हुआ है, ना अपने भाई बहन का हुआ है। जो अपने गुरु का नहीं हुआ, किसका हुआ? इसलिए गुरु सेवा, दूसरा गुरु सेवा माने गुरु के समय तक हम अपने जीवन में जब भी कोई गुरु आए हैं तो उनका चौका लगा रहे हैं, और गुरु जा रहे हैं उनका विहार कराना। गुरु अगर आए हैं तो पूरा गांव उनको सम्मान से लेके आए, और अगर जा रहे हैं तो पूरा गांव चाहे नगर ही क्यों ना हो, क्यों? क्योंकि वो गुरु हैं। इसलिए नहीं, आपकी भीड़ से उनको फ़ायदा होगा। अगर वो अकेले भी आएंगे, ये श्रीफल चढ़ाने की जो प्रक्रिया है, 25 रुपये का श्रीफल आप जो चढ़ा देते हो, ये मत सोचना कि किसी भी कोई दिगंबर साधु या फिर कोई भगवान श्रीफल से बंधे हैं। गुरु को सम्मान से लाना और छोड़ के आना, ये एक
आचार संहिता है समाजों की और भक्तों की, इसलिए हम लोग शिरपल चढ़ाया करते हैं। तुम्हारे शिरपल चढ़ाने वो क्या खाएंगे, खा जाएंगे, और वो भी पता चला कहीं लोग तो सड़ा भाई चढ़ा के चले गए, और सड़ा गला शिरपल चढ़ा करके उनको कोई लाभ नहीं हो रहा है। उनको तो आपको सम्मान से लाना है, छोड़ के जाना है, सम्मान से छोड़ना है, सम्मान से लाना है। कितने सम्मान से लाते हो वो आपके ऊपर है। गुरुओं का आहार कराना, गुरुओं का विहार कराना, ये दूसरा क्रम हमारा लगाया है। ये धर्म का क्रम है, पहले पूजा, फिर गुरु की सेवा, और तीसरा दिया है दोपहर के समय, नहीं तो शाम के समय, नहीं तो रात्रि के समय में, तीन बार किसी भी एक समय में, कम से कम एक समय में अपने जीवन में अपने अंतरंग के अध्ययन को जरूर करना चाहिए। अंतरंग का अध्ययन माने स्वाध्याय, जो हमारी स्व माने स्वयं के लिए, जो स्वयं के लिए किया जाता है उसे स्वाध्याय कहते हैं। आजकल नई परपाटी चल गई है, अगर एक ग्रंथ पढ़ लिया है तो बस पाठशाला शुरू कर दो, लोगों को पढ़ाना शुरू कर दो, टोकना शुरू कर दो। हाँ, ये याद रखना, जितना टोका टाकी करोगे उतना ठोका ठाकी भी होगी सामने से। अगर किसी को बिना बुलाए किसी के कहे बिना अगर आप उसे कुछ दे रहे हो तो याद रखना वो सामने वाला भी आपको बिना चाहे, आप अगर अनचाहे मन चाहे शब्द बोलोगे तो सामने वाला भी आपको अनचाहे शब्द देगा, क्योंकि आपने दिया है टोका क्यों, क्योंकि मैंने अध्ययन कर लिया है। सुनो, ये अध्ययन नहीं अहंकार में आता है, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अपने बारे में थोड़ा सा जानो। आज कोई भी व्यक्ति मूर्ख बन सकता है। एक रुपए की गोली आती है, दो रुपए का खर्चा है मात्र, गर्म पानी जिसमें गैस लगेगी, गर्म पानी काढ़ा बना करके पीना, बुखार ठीक हो जाएगा, और मात्र वो उस ज्ञान के ना होने के कारण हम डॉक्टर के पास जाके 500 रुपये दे आते हैं और इंजेक्शन लगवा करके फीस अलग देते हैं, 1000 रुपये का खर्चा हो गया। वो मात्र महिलाएं, बूढ़ी महिलाएं जो हुआ करती थी, घर में काढ़ा बना दिया है, लौंग इलायची डाल करके, बादाम डाल दिए ज़्यादा हो तो, उसको पका के दे दिया और कह दे लो पी लो, काढ़ा पी करके सुला दिया है और देखा तो बच्चा ठीक। लेकिन हमने वो अध्ययन नहीं किया है तो उसका रिजल्ट हमारे सामने है। हम जो मन में आए वो कर रहे हैं और उसका भुगतान भी हमारे सामने है। इसलिए थोड़ा सा ये स्वाध्याय भी करें कि हम अपने जीवन में कब शादी करनी है, शादी किस लिए करनी है, हाँ शादी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, शादी के साथ बाद संतान कब करनी है। साइंस कहता है, साइंस ने जैन धर्म की बात को बहुत ज़्यादा अस्वीकार किया है, कहता है एक वर्ष तक कम से कम एक वर्ष तक संतान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय तक एडजस्ट आप लोगों को जो परिवार में एडजस्ट करना है, एक बार ढलना है उस साँचे में। दूसरी लड़की दूसरे घर में गई है, एक लड़का दूसरे व्यक्ति को समझने में, परखने में, उसके साथ विश्वास बनाने में, उसके साथ अपना तालमेल बिठाने में समय तो लगता है। और आज रिजल्ट क्या है, रिजल्ट ये है कि आज शादी, कल संतान, और उसके बाद रिजल्ट डिवोर्स, तनातनी, ठनाठनी, लड़ाई झगड़ा, और उसका रिजल्ट हमारे सामने है। हमने अध्ययन नहीं किया, वो परिणाम हमारे सामने है। और उसके बाद पहला पूजा, गुरु की सेवा, तीसरा स्वाध्याय, और चौथे नंबर पे दिया है संयमित जीवन जीना। हम अपने जीवन में संयमित जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे, संयमित जीवन है क्या, जीव रक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मौज मस्ती में आकर के हमने जो मन में आया वो कर लिया, बैठे हैं खाली बैठे हैं, सुनो दो दिन की छुट्टी है चलो घूमने चलो, बरसात का समय है तुम तो घूमने चले गए, लेकिन तुम्हारी गाड़ी के नीचे आकर के कितने मेंढक, केंचुए, कीड़े मर गए हैं पता है। बरसात में रेल की पटरियों पे भी घास हो जाती है, और अब यात्रा कर रहे हैं पता चला गाड़ी के आगे आके गाय मर गई है उस ट्रेन से, और उसमें हम भी बैठे हैं। लेकिन हमने उस समय ये नहीं सोचा था कि हमारी इस क्रिया से क्या पाप लगेगा। पुराने लोग चातुर्मास में बरसात के समय में भ्रमण नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें पता था जीवों की हत्या होगी, और जीवों की हत्या करोगी तो दो चीज़ें हैं, एक तो अपना धर्म गया, और ऊपर से जो कष्ट दिया है अब कष्ट मिलेगा। शादी करी है, शादी करना ग्रंथों में दिया है, शादी आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में 38वें 39वें अध्याय में भाग दो में क्लियर किया है, पूरा स्पष्ट दिया है शादी करने के प्रीति क्रिया, सुप्रीति क्रिया, मोद की क्रिया, अनुमोद की क्रिया जो दी है, गर्भान्वय क्रिया जो दी है, उसमें गर्भ तीसरे महीने में, पाँच महीने में, सातवें महीने में, नौवें महीने में क्या क्या करना है सब बताया है। तो ये तो फाइनल है, शादी भी करने के लिए ग्रंथों में दिया है, लेकिन किसी भी ग्रंथ में ये नहीं दिया है कि शादी करो और आतिशबाजी जलाओ।
किसी भी ग्रंथ में, चाहे कुरान में जाओ, चाहे पुराण में जाओ, चाहे बाइबल में जाओ, चाहे जैन धर्म के किसी भी ग्रंथ में देख लो, नहीं लिखा रात को शादी करना। और हमने जो किया उसका रिजल्ट है हमारे सामने है, रात को शादी करी है। तो हमने जितने दुख दिए हैं, पहले शादी करने के बाद परिवार के अंदर इतनी खुशियां हुआ करती थी, आज शादी करने के बाद एक ऐसा लगता है जैसे मातम सा बन रहा हो। शादी करी है तुम, क्या कोई किसी लड़की की शादी करके लाए हो? कोई ऐसा थोड़ी ना तुम कोई हॉस्पिटल से किसी लाश को उठा के लाए हो। खुशी मनाओ, लेकिन खुशी तो तब मनाए जब हमने खुशी वाले काम किए हैं, दुख दे के आए हैं, तो कैसे हम प्रसन्न रहें? रिजल्ट क्या है? शादी करने के बाद हमारा शरीर टूटा टूटा रहता है, हमारे घरों में लड़ाई झगड़ा कलह बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं शरीर में। और ऐसी बीमारियां हैं कि जो ठीक भी नहीं हो सकती और उनका इलाज भी कराना जरूरी है। जैसे रीढ़ की हड्डी खराब हो गई है, धीरे धीरे बैठना ही बंद कर दिया, डॉक्टर ने बोल दिया है आपको मुड्ढे भी बैठना पड़ेगा, फैट इतना बढ़ गया है कि घुटने खराब हैं, शुगर लग गई है, 45 साल की उम्र शुगर का पेशेंट जो 65 साल 70 साल 80 साल में भी नहीं होती थी, आज बीमारी वो 25 साल की उम्र में युवाओं को लग रही है। रीज़न हमारे सामने है, हम अपने जीवन को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नहीं जी रहे हैं। इसलिए आचार्यों ने दिया है स्वाध्याय के साथ साथ अपने जीवन में जीव दया, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, पांच स्थावरों की भी हमें रक्षा करनी है। कर भी रहे हैं, हाँ, जल पृथ्वी अग्नि वायु वनस्पति जो है पांच स्थावर और एक तरस, पांच इंद्रिय और एक मन। कई लोग छतों पे नहीं जाते, कारण टंकियों से जो पानी निकल रहा है इतना पानी बह रहा है कि उनकी संक्लिष्टता बन रही है और रोक नहीं सकते। हमें तो अपने से मतलब है कि कोई मतलब नहीं है दूसरे से। ये हम जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमारे सामने है, हम दुखी हैं। प्राणी संयम और उसके साथ साथ जो संयम दिया है, जीव संयम जिसको प्राणी संयम कहते हैं, और इंद्रिय संयम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, और उसके बाद संयम के बाद तप और त्याग, इच्छा निरोधो तपा, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर रहे हो या नहीं कर रहे। तप, लोग घी दूध तेल दही मीठा नमक का त्याग कर दिया, एक व्यक्ति ने तो अन्न का ही त्याग कर दिया है, 50 रुपये 100 रुपये का खर्चा था एक दिन का, अब 250 रुपये चला गया है, अब तो मेवा मावा पनीर खाने को मिलेगी। अरे तप करना है, अगर त्याग करना है तो आचार्य भगवंतों ने कहा इच्छाओं पे कंट्रोल किया या नहीं किया, और त्याग करना है तो कषायों का त्याग करा, मंदिर में 2 घंटे लगाए हैं, घर में जाके 4 घंटे लड़ रहा है, और पत्नी कह रही है सुनो मंदिर मत जाया करो जिससे तुम गुस्सा तो ना करो। अगर त्याग करना है तो कषायों का त्याग करो। हमारे जीवन में ये 6 धर्म के अनुशासन दिए हैं और इन्हीं के साथ हमारे कर्म के अनुशासन भी दिए हैं। सुबह उठ करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहनना, अच्छे वस्त्र पहनो, और उसके बाद जो आपकी कर्म की क्रियाएं हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से करनी होगी। दुकान चलानी है तो दुकान पे भी बैठना है, जितना समय घर को देना है उतना समय घर परिवार को भी देना है। ऐसा नहीं है बच्चों को आपने समय दे दिया है तो सारे बच्चों को दे दिया तो पत्नी रूठ जाएगी, पत्नी को समय दे दिया पूरा तो माँ बाप माता पिता और परिवार को ही समय दे रहे हो तो समाज। थोड़ा थोड़ा समय आपको सबको देना है और आप अपने जीवन को बड़े सटीक तरीके से जीना है। कुछ लोग घरों के अंदर से मंदिर में जाकर के ज़्यादा बैठ जाते हैं, 6 घंटे 8 घंटे मंदिर में दे दिए हैं, तो आचार्य शिवकोटी स्वामी जी ने उस व्यक्ति को जिसने अपने कर्तव्यों के दायित्वों की निष्ठा के साथ पालन नहीं किया उसको चोर की उपमा दी है। जिसने 6 घंटे मंदिर में दे दिए हैं तो वो अपने बच्चों की पत्नी की माता पिता की कहीं ना कहीं कटौती करके यहाँ दे रहा है। जितना समय धर्म का है उतना समय देना है, उससे ज़्यादा समय धर्म में भी नहीं देना है, और जितना समय कर्म का है उतना कर्म का समय उतना कर्म में भी देना है। आपसे भी लोग अपने जीवन को सार्थक करें, सही तरीके से अपने जीवन को जी सकें, यही भावना भाते हुए अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जो बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।